नमस्कार, स्वागत है आपका रेस आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में, जो कि यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स ओरिएंटेड बनाया गया है। इस वीडियो के हेल्प से आप अपने एग्जाम्स के लिए आसानी से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जनवरी 5th वीक के उन सभी न्यूज आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज जिन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे वो है, हमारा पहला टॉपिक रहेगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। हमारा आज का दूसरा टॉपिक रहेगा वेब पोर्टल गति GATI। हमारे डिस्कशन का तीसरा टॉपिक रहेगा तीसरा विश्व आलू सम्मेलन। हमारे डिस्कशन का चौथा टॉपिक रहेगा मीसा पेंशन। डिस्कशन का पांचवा टॉपिक होगा सागरमाथा संवाद फोरम। छठा टॉपिक होगा ब्लू कॉर्नर नोटिस। सातवां टॉपिक होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में उपयुक्त निवास स्थान पर अफ्रीकी चीता को पेश करने की अनुमति। हमारे डिस्कशन का आठवां टॉपिक होगा भारत ने साइबर सुरक्षा सहित ब्राजील के साथ 15 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। डिस्कशन का नवा टॉपिक होगा यूटा में एलोसोरस की एक नई प्रजाति की खोज की गई। डिस्कशन का दसवां टॉपिक होगा यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रिटेन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। और डिस्कशन का आठवीं टॉपिक होगा भारत पर्व 2020। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, यानी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। इस बिल को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था। बता दें आपको, नई दिल्ली से भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति का गठन किया गया। ये समिति इस बिल की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। बिल के अंदर क्या है? इस बिल में निजी जानकारियों के संकलन और स्टोरेज के साथ ही हस्तांतरण यानी कि प्रोसेसिंग पर किसी व्यक्ति पर दंड और मुआवजे के साथ ही दंड प्रक्रिया के बारे में प्रावधान की भी व्याख्या की गई है। ड्राफ्ट बिल के मुताबिक किसी का निजी डेटा लेने और देने के लिए संबंधित व्यक्ति की जो सहमति है और उसके हस्ताक्षर है वो बेहद जरूरी है। दंड का प्रावधान, इसके बारे में भी बात करते हैं। इस कानून में प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है। डेटा लीक करने की स्थिति में ये पेनल्टी 5 करोड़ रुपए या फिर संबंधित कंपनी की दशा में उसके टर्नओवर का 2% हो सकती है। पृष्ठभूमि, बिल का इतिहास लंबा है। ये बिल निजी डेटा से संबंधित है। जब 14वीं लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे तब सेंसिटिव पोर्टल डेटा पर चर्चा हुई थी। बता दें कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को 11 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था। इस बिल के जरिए फेसबुक, गूगल और अन्य कंपनियों के लिए लोगों के निजी और गैर निजी डेटा को गुप्त रखना अनिवार्य बनाया गया है। बिना अनुमति डेटा का इस्तेमाल करने पर जुर्माने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। आइए अब डिस्कस करते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि है वेब पोर्टल गति। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल गति यानी कि GATI की शुरुआत की है। इसे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रयोग किए जा रहे प्रगति पोर्टल से प्रेरणा लेने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा तैयार किया गया है। वेब पोर्टल गति की विशेषताएं क्या क्या है? इस पोर्टल को NHAI की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है। पोर्टल पर NHAI की परियोजनाओं से संबंधित समस्याओं को उठाया जा सकेगा। समस्या सामने आते ही संबंधित अधिकारी तत्काल प्रभाव से उन पर काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। यही नहीं, उठाई गई समस्या को NHAI में अधिकारियों की एक टीम द्वारा दैनिक निगरानी की जाएगी। GATI पोर्टल के लाभ क्या क्या हैं? इसमें न केवल कार्यों में पारदर्शिता आएगी बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए निर्माण को भी गति मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि राजमार्ग निर्माण से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर मंत्रालय निर्देश जारी करेगा। इस पोर्टल की निगरानी NHAI के अधिकारियों की एक टीम द्वारा की जाएगी। इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है तीसरा विश्व आलू सम्मेलन। बीते 2 दशकों में गुजरात देश में आलू का उत्पादन और निर्यात करने का एक हब बनकर उभरा है।
प्रधानमंत्री द्वारा आलू अनुसंधान, व्यापार और उद्योग तथा मूल्य श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र में संपीर्ण उपलब्धियों और अवसरों की समीक्षा करने की उम्मीद है और वो दशक के लिए एक रोडमैप तैयार करेंगे। वर्तमान सम्मेलन इस श्रृंखला का तीसरा सम्मेलन है। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर यह आवश्यक है कि आलू के क्षेत्र में उपलब्धियों की जानकारी ली जाए और आने वाले दशक के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाए। पिछले दो दशकों में यानी कि 1999 और 2008 के दौरान 10 विश्व आलू सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। सम्मेलन से जुड़े अन्य तथ्य। सम्मेलन का आयोजन भारतीय आलू एसोसिएशन यानी कि IPA के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और ICR केंद्र आलू अनुसंधान संस्थान शिमला और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा और पेरू के सहयोग से किया गया है। इस सम्मेलन में सभी साझेदारों को एक साझा मंच प्रदान करने का अवसर दिया जाएगा ताकि आलू क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को शामिल कर सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सके और भविष्य की योजना तय की जा सके। आलू अनुसंधान में अग्रिम जानकारी रखने वाले और नवोन्मेष करने वाले देश के विभिन्न साझेदारों को बाहर लाने का ये एक अनोखा अवसर है। इस कार्यक्रम के तीन प्रमुख हिस्से रहेंगे। पहला आलू सम्मेलन, दूसरा कृषि निर्यात और तीसरा आलू की खेती का दिन। आलू सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। इसके 10 विषय होंगे। 10 में से 8 विषय वस्तुएं व्यवहारिक और प्रायोगिक अनुसंधान पर आधारित होंगी। शेष 2 विषय वस्तुओं में आलू व्यापार, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन और नीतिगत वस्तुओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसमें जो प्रमुख मुद्दे रहेंगे उनमें पौधारोपण सामग्री, आपूर्ति श्रृंखला की कमी, खेती के बाद होने वाला नुकसान, प्रसंस्करण को बढ़ाने की आवश्यकता, निर्यात और विविध उपयोग तथा आवश्यक नीतिगत सहायता यानी कि लंबी दूरी के परिवहन और निर्यात संवर्धन के लिए उत्पादन तथा प्रमाणिक बीजों का इस्तेमाल शामिल है। आइए अब बात करते हैं मीसा पेंशन के बारे में। छत्तीसगढ़ सरकार ने देश में आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे मीसा बंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि यानी कि मीसा पेंशन को अब समाप्त करने का फैसला ले लिया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 को रद्द करने का फैसला लिया है। पृष्ठभूमि क्या है? छत्तीसगढ़ में वर्ष 2008 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने आपातकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा DIR के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों को सहायता देने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 बनाया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है सागरमाथा संवाद फोरम। ये चर्चा में क्यों रहा बताते हैं आपको। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने यहां आयोजित होने वाले पहले सागरमाथा संवाद मंच में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। इस खबर के हाइलाइट्स। नेपाल में अप्रैल माह में शुरू होने वाले सागरमाथा संवाद वैश्विक एवं क्षेत्रीय महोत्सव के ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए इसे आयोजित किया जा रहा है। सागरमाथा संवाद का पहला संस्करण जलवायु परिवर्तन, पहाड़ों और मानवता के भविष्य विषय पर 2 से 4 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। संवाद के पहले संस्करण के मुख्य उद्देश्य आसन्न जलवायु संकट पर देशों के बीच आम सहमति और राजनीतिक नेताओं को अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये जलवायु परिवर्तन और पर्वत परिस्थिति के बीच मौजूद प्रत्यक्ष संबंध के बारे में प्रतिभागियों और दुनिया के बीच जागरूकता पैदा करेगा। ब्लू कॉर्नर नोटिस, चर्चा में ये क्यों रहा बता दें आपको। नित्यानंद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या है बताते हैं आपको। ब्लू कॉर्नर नोटिस एक ऐसा नोटिस है जिसका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति का पता लगाने के लिए किया जाता है जो अपराधी है और लापता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? रेप और अपहरण में फरार एक बाबा जिन्हें दुनिया नित्यानंद के नाम से जानती है और उनका असली नाम राजशेखरन है। बाबा नित्यानंद उर्फ राजशेखरन मूल रूप से तमिलनाडु राज्य का रहने वाला है। जी हाँ, यह वही नित्यानंद है जिसने हाल ही में ऐलान किया था
कि वो इक्वाडोर से खरीदे एक द्वीप पर हिंदू राष्ट्र कैलासा का निर्माण कर रहे हैं। आइए अब ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या है इस बारे में आपको बताते हैं और किन हालात में ये जारी किया जाता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्लू कॉर्नर नोटिस के तहत आरोपी से पूछताछ के लिए आने को कहा जाता है। ये नोटिस इसलिए जारी किया जाता है ताकि जो व्यक्ति लापता है उसकी पहचान करके उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। ये नोटिस इंटरपोल को भेजने के बाद उसके प्रत्यर्पण के लिए कहा जाता है। सिर्फ नित्यानंद ही अकेला शख्स नहीं है जिसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इसकी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें ललित मोदी जैसे कई नामी गिरामी और शख्सियतें भी मौजूद हैं। बता दें आपको कि ललित मोदी को आईपीएल मामले में दोषी पाए जाने के बाद जब वो देश छोड़कर चला गया तो ये नोटिस उसे दिया गया था। लेकिन सिर्फ ब्लू कॉर्नर नोटिस ही एक अकेला नोटिस नहीं है जिसे इंटरपोल दोषियों के लिए जारी करती है, बल्कि इसमें तकरीबन 7 और नोटिस आते हैं जिनका इस्तेमाल जुर्म की संगीनियत को देखते हुए इंटरपोल कर सकती है। इन नोटिसेस में सबसे पहला है रेड कॉर्नर नोटिस, दूसरा है येलो कॉर्नर नोटिस, तीसरा है ब्लैक कॉर्नर नोटिस, चौथा है पर्पल कॉर्नर नोटिस, पांचवा है ग्रीन कॉर्नर नोटिस, उसके बाद आगे बढ़े तो छठा है इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना यानी कि इंटरपोल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, सातवां है ऑरेंज कॉर्नर नोटिस। यहां हम इन नोटिसेस को डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता, बट इफ यू वॉन्ट टू नो ऑल दीज इन डिटेल प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में उपयुक्त निवास स्थान पर अफ्रीकी चीता को पेश करने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भारत में एक उपयुक्त निवास स्थान पर अफ्रीकी चीता को पेश करने की अनुमति दी है। अदालत के फैसले के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीता को लाने की अनुमति के लिए दायर याचिका के बाद दुर्लभ भारतीय चीता देश में लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसमें भारत के पूर्व निदेशक वन्यजीव रणजीत सिंह, भारत के वन्यजीव महानिदेशक धनंजय मोहन और NTCA के मार्गदर्शन के लिए उप महानिरीक्षक वन्यजीव पर्यावरण और वन मंत्रालय शामिल है। राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्राधिकरण टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्रशिक्षण की स्थापना की गई। भारत ने साइबर सुरक्षा सहित ब्राजील के साथ 15 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोलसोनारो की भारत यात्रा के दौरान भारत और ब्राजील के बीच 25 जनवरी 2020 को विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। क्या है ये MOU? पहला, बायोएनर्जी सहयोग पर समझौता ज्ञापन। दूसरा, तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। तीसरा, निवेश सहयोग और सुविधा संधि। चौथा, आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर समझौता। पांचवा, बचपन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन। छठा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। सातवां, पारस्परिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन। आठवां, 2020 से 2014 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम। नवां, सामाजिक सुरक्षा पर समझौता। दसवां, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय और नेटवर्क दुर्घटना उपचार केंद्र सूचना सुरक्षा विभाग इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी विभाग की सामान्य समन्वय के बीच सहयोग पर समझौता। ज्ञापन, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौते पर ब्राजील की अध्यक्षता। ग्यारहवां, 2020 से 2023 की अवधि के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर समझौते को लेकर वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग का कार्यक्रम। इसके बाद भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। इन्वेस्ट इंडिया और ब्राजीलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एनर्जी के बीच समझौता ज्ञापन। पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में समझौते के लिए संयुक्त घोषणा।
बायो एनर्जी पर शोध करने के लिए भारत में एक नोडल संस्थान की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन। यूटा में एलोसोरस की एक नई प्रजाति की खोज। पेलियंटोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्व वैज्ञानिक ने यूटा के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में मांस खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति का खुलासा किया है। ये संदेह है कि प्रजातियां कमजोरियों की तुलना में कम से कम 5 मिलियन साल पहले विकसित हुई थी। एलोसोरस जिम्मा डेसेनी के बारे में जानकारी जो मिली है वो बता दें। नई मांस खाने वाली प्रजातियों को डायनासोर एलोसोरस जिम्मा डेसेनी नाम दिया गया है। 5 मिलियन साल पहले ये अपने पारिस्थितिक तंत्र में सबसे आम और शीर्ष शिकारी थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि प्रजातियों ने 157 और 152 मिलियन साल पहले लेट जुरासिक काल के दौरान पश्चिमी उत्तर अमेरिका के बाढ़ के मैदानों का निवास किया था। बता दें कि एलोसोराइस छोटे से बड़े शरीर वाले दो पैरों वाले मांसाहारी डायनासोर्स का एक समूह है जो कि क्रेटेशियस काल के दौरान रहते थे। इन डायनासोर्स की नाक के आगे की आंखों के सामने सींगों से फैले हुए कम चेहरे की खोपड़ी के साथ एक छोटी संकीर्ण खोपड़ी होती थी। इनमें एक सपाट सतह के साथ खोपड़ी की एक अपेक्षाकृत संकीर्ण पीठ होती थी जो कि आंखों के नीचे खोपड़ी के नीचे तक होती थी। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने पहले सोचा कि जुरासिक उत्तरी अमेरिका के एलोसोरस की केवल एक प्रजाति मौजूद थी, लेकिन नवीनतम अध्ययन से पता चला है कि दो प्रजातियां थीं जिनका नाम नववर्णित एलोसोरस जिम्मा डेसेनी और एलोसोरस फिगिलिस था। यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रिटेन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय आयोग और परिषद के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियन और चार्ल्स मिशेल ने यूक के विड्रॉल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन के ईयू के बाहर निकलने के बाद आता है। बता दें कि ब्रिटिक्स ने यूरोपियन यूनियन क्लब में 46 साल का कार्यकाल समाप्त किया है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 23 जनवरी को ब्रिक्स के लिए अपनी सहमति दी। 25 जनवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा भी इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाहर निकलने के बाद देश 2020 के अंत तक संक्रमण अवधि के दौरान यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो गया है। 2021 तक ब्रिटेन का लक्ष्य भविष्य के संबंधों पर समझौते पर सहमत होना है। इसके बाहर निकलने से यूके भविष्य में अन्य देशों के साथ व्यापारिक सौदों पर प्रहार कर सकेगा। भारत पर्व 2020। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से 26 से 31 जनवरी 2020 तक लाल किले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाने वाले 5 दिवसीय भारत पर्व का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह का ही हिस्सा है। थीम इस कार्यक्रम की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर समारोह मनाना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को भारत के विभिन्न पर्यटन स्थानों की यात्रा करने और देखो अपना देश की भावना का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी हाइलाइट्स: एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंध में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के मद्देनजर भारत पर्व का आयोजन वर्ष 2016 से गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जाता है। भारत पर्व कार्यक्रम के आयोजन के लिए पर्यटन मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है। इसके विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं आपको। इस बार आयोजन के दौरान गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों की प्रदर्शनी, सशस्त्र बलों के बैंड का प्रदर्शन, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों द्वारा पर्यटन थीम मंडप, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा हस्तकला और हथकरघा स्टॉल, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन तथा राज्य सरकारों एवं होटल प्रबंधन संस्थानों द्वारा पाक कला प्रदर्शनी पेश की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों, आज के साप्ताहिक समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में उन्हें लिख सकते हैं, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज वीडियोस की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिल सके।
तो फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।